दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत श्री चरण उदार मना उच्च कैलाश मानव जी, जिनकी तपोभूमि में हम यह राम कथा सुन रहे हैं, ऐसे ऋषिवर गालब यहाँ पर और जहाँ तक विराजमान आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन रसिक जन, मेरे प्रिय श्रोता जन, लाडली बेटियाँ, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम के सहारे से राम चर्चा करें। श्री राम जय राम जय जय काय
रंग में रंग कर रघुवर तेरे रंग में रंग कर रघुवर हम हो गए मस्ताने मस्ताने हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने और कोई क्या जाने मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम तेरे रंग में तेरे और कोई क्या ने और कोई घर में गुनगुनाते हो कि नहीं है? अच्छा किचन में गुनगुनाते हो और भी कहीं हम तो अपबीती कहते हैं है? बाद में ध्यान आता है कि हम ऐसी जगह बैठे हैं तो बंद हो जाते हैं हम हो गए घबरा मत बहुत दूर दूर तक लोग जानने तो मैं तो मस्ताने हो गया बहुत दूर दूर तक जानने कल कहां पहुंच गए थे हम नहीं जोर से बोला करो भाई हम वैसे कम सुनते हैं बताना ये क्या कह रहे हैं बताना है जनकपुर की गलियों में हाँ ठीक है ठीक ऐसे ही साथ देता रहना बताने के लिए सब लोग सोई मेरी तो नैया पार हो जाए बाधा करो बाधा तो करो बाधा नहीं कर रहे आप लोग
छोड़ेंगे न हम। मरते दम तक नहीं छोड़ोगे हमें? एक जगह तो गा रहे थे 100 साल पहले, हमें तुमसे अब कुल 20 साल को हो, पर वो गलत नहीं कह रहा था। ना जाने तुसे कौन कनाता हो नाता, ना जाने तुसे जनकपुर की गलियों में आओ, हम भी चलें भगवान के साथ हैं। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, भगवान ने उन बच्चों को प्रेम के बस जाना और उनके आग्रह पर घर गए और उनकी माँ ने दर्शन किया। माँ ने कहा, बेटा आज मैं कृतकृत्य हो गई, आज मेरी कोख सफल हो गई, पुत्र हो तो तेरे जैसा हो, आज मैं तुझे अपने ऋण से उऋण करती हूँ। धन्य है वे जो अपने माँ बाप की धार्मिक इच्छाओं को पूरी करते हैं, चाहे तो उन्हें जनकपुर के बालक कह लो या श्रवण कुमार कह लो या भागीरथ कह लो। हाँ? जनकपुर के बालकों ने भगवान के दर्शन कराए, अपने माँ बाप को, अपनी माँ का कल्याण किया। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को न ला करके भगवान की कथा को लाता है सिर पे धारण करके, उसे सुनकर के केवल उसके माँ बाप नहीं तरते, केवल माँ बाप तरते हैं क्या? केवल माँ बाप ही सुनते हैं? पूरा पांडाल, केवल पूरा पांडाल? हाँ, पूरी दुनिया, पूरा संसार सुनता है, दृश्य जगत, अदृश्य जगत, सारा संसार। कितना बड़ा पुण्य का कार्य है ये। बेटा तो वही है जो अपने माँ बाप को यह सौभाग्य, यह शुभ अवसर प्राप्त कराए। और माँ बाप का भी ये कर्तव्य है कि अपने बालकों से एक बार ये बात कहनी चाहिए कि बेटा हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़े किया, यदि भगवान तुम्हें लायक बनावे तो एक दिन मुझे भी ये अवसर देना कि मैं अपने सारे सखाओं के और समाज के साथ परिच्छद बनकर के बैठूं और तू व्यवस्था संभाले और सारी दुनिया इस गंगा में स्नान करे, ये माँ बाप को कहना चाहिए। क्योंकि भैया आप औलाद के लिए हम लोग जो छोड़ जाएंगे वो औलाद का हो जाएगा, उसमें हमारा एक रुपया नहीं है। लेकिन हमारे हाथों से जो ये होता है ना, ये हमारे काम आएगा जन्म जन्मों तक, सदियों तक। हमारे बालक फैक्ट्री खोले, मॉल खोले, बिजनेस करें, प्रॉपर्टी डीलरी का काम करें, बड़े से बड़े काम करें, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लें, हमें क्या? प्रश्न करिए, क्या क्या तेरे इस गाड़ी के खरीदने से क्या क्या तेरे माँ बाप का कल्याण हो जाएगा?
मैं इसका निषेध नहीं कर रहा, करिए, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखिए। बड़े बड़े काम करने से पहले कहो हैं, बेटा हमारे कल्याण का तेरे इन काम धंधों में कोई भी उपाय नहीं है। बेटा तो वही है, जो इस गंगा में खुद नहाए, अपने पुरखों को तार दे और पूरे समाज को तार दे, और समाज तर तार। गंगा से केवल भागीरथ के पुरखाओं का तारण हुआ हो ऐसा नहीं है, बेपुरखे तो तरे ही हैं, लेकिन पूरा समाज तर रहा है और दुनिया के पुरखा तर रहे हैं और तरते रहेंगे। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। प्रणाम करता हूँ वैसे ऐसी संतान को, ऐसी औलाद को जो अपने माँ बाप की धार्मिक इच्छाओं का बहुत ध्यान रखती है, धन्यवाद के पात्र हैं वे। शास्त्रों में तो यहां तक कहा के जननी तू भक्त जन, के दाता के सूर, और नाहे तो तू, वो मैं कहना नहीं चाह रहा। यदि ये तीन में से कोई संतान न जन सके तो कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। जिस कुल में कोई दानी, कोई भक्त या कोई सूरवीर, इनमें से कोई एक ही पैदा हो जाए, कुलं पवित्रं, वह कुल पवित्र है। जिस क्षेत्र में जन्मे वो क्षेत्र पवित्र है, और जिसकी कोख से जन्मे वो मां प्रणाम करने के योग्य है। वसुंधरा पुण्यवती च तेन, अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। जो अपार आनंद के सागर में परमात्मा में जिसका चित्त लग जाए, ऐसे साधक को, ऐसे साधक के पृथ्वी पर रहने से पूरे संसार का कल्याण होता है। उद्धव ने कहा है भागवत में, वंदे नंद व्रजस्त्रीणा पादरेणु भवीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। मैं इन गोपियों के चरणों की रज की वंदना करता हूं, चरणों की नहीं, चरणों की रज की वंदना करता हूं। इनके गुणगान गा करके तीनों लोक पवित्र हो रहे हैं, अथवा इनके गुणगान से तीनों लोक पवित्र हो रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और भी शास्त्रों में कहा है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रोदते अविक्षणम हसति क्वचिच्च
विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरी भक्ति में लीन होकर के जो भक्त कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोता है, ऐसा मेरा भक्त जब पृथ्वी पर ये सब काम करता है तो उसकी सुगंधि से, उसकी सांसों से, उसके शब्दों से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। फिर ग्वालियर की तो बात क्या है साहब। और एक बात बताऊं, रहन दो, आपको बुरी लग सकती है, बता दूं, कह दूं, चलो क्या करना कह के अपना काम कथा कहने। अच्छा तुम तो कर दे ऐसे, टीवी पे बैठे हैं वो क्या करें, बेमना कर रहे हो तो है? कह दूं, चलो पहले मैं आपको पूछ लेता हूं एक बात। जो ये अवसर आता है और ऐसे परिचितों की वजह से आता है, तुम ऐसे लोगों को चाहोगे कि तुमसे दूर हो जाए? चाहते हो? नहीं चाहते हो। और जो केवल अपने लिए जी रहे हैं, केवल अपने लिए कमाना खाना जो भी है, उनको क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हमारे यार मरो चाहे जियो, रहो चाहे जाओ, हैं? वो कुछ भी करें दुनिया में, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से हजारों लाखों दूर दूर तक करोड़ों भक्त आनंद ले रहे हो, ऐसा व्यक्ति जब जब दुनिया में या तुम्हारे हमारे बीच में नहीं रहता, तो ऐसी कोई आंख नहीं होती जो गीली नहीं होती साहब। कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने हैं? क्या कहा? वो तो खाते भी बेकार ही हैं। अच्छा कोई बहुत अमीर हो और वो जाए तो, बाकी बहुत प्लॉट हो, खूब मकान दुकान हो, नहीं दुख होगा? पैसा मारो तो भी। अच्छा एक भूल बैठ गई है लोगों में कि पैसे इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा नाम रोशन हो जाएगा। रोशन है चाट ले धर के, वह रोशन है चाट ले। जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले, कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाख। इन पैसा वालों को भी मैं एक बात कहूं, जहां जहां तक मेरी मेरा ये संदेश जाए, एक भूल कर रहे हैं ये बहुत। मैं तो कहता हूं पैसा कमाओ और खूब कमाओ, लेकिन ये ध्यान रखो
कि पैसा बर्बाद न हो, ऐसा उपाय करो कि फिर अपने संग ही पैसा रहना चाहिए, कोई तुमसे छीने ना, किसी औरों के लिए नहीं, अपने लिए रखो। अपने लिए भी नहीं रखते हैं कुछ तो ऐसे समझदार होते हैं। और आप कहो तुम्हें एक ऐसा उपाय बता दूं कि मरने के बाद में संग गठरिया बांध के ले जाओ तुम पैसा, एक उपाय है ऐसा, पर अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तुम अभी तो फिर उनके बालक रोल लगेंगे कि जे बाबा को हमारे पापा को बताएगा क्या, बता दूं, बोलो बता दूं। अरे हम बुरे बन जाएंगे भाई, बन जान दो, क्या है हमें क्या काम, चलो बता ही देता हूं। वैसे समझदार वही है जो बैंक बैलेंस रखता है आगे के लिए, है ना। तो एक ऐसा उपाय है कि मरने के बाद में भी तुम पैसे गठरिया बांध करके ले जा सकते हो, कफन में जेब सिलवानी पड़ेगी, और उसका दर्जी मिलना बड़ा मुश्किल है। वैसे मिल जाएंगे, भारत में तो काफी हैं। हमने जो बैंकों में जमा कर दिया है, दुनिया की बैंकों में, यहां उसे औलाद ले लेगी, लेकिन इस कार्यक्रमों में, ऐसे कार्यक्रमों में जो खर्च हो रहा है, इसे कोई माई का लाल छीन सकता है क्या? कोई माई का लाल दुनिया में, औलाद, नाती, बेटा, चोर, डकैत, बदमाश, स्मगलर हैं और किडनैपर, कोई माई का लाल। वैसे ये मिलेगा, मिलेगा आगे कि नहीं मिलेगा, इतना तो विश्वास होगा। और इतना ही नहीं मिलेगा, इसका अनंत गुना मिलेगा। मैं आपको व्यासपीठ से कह रहा हूं ये बात। जेब में, कफन में जेब सिल गई ना, और सच्ची बात आपको बताऊं, यहाँ की बैंकों में तुम जमा करोगे तो एटीएम लेके डोलना पड़ेगा, और कहीं कहीं बैंक मिलेंगी, बाकी कहीं कहीं एटीएम मिलेंगे, कहीं कहीं नहीं मिलेंगे, और रोड पर दुर्घटना है तो निकारे बारों को है। लेकिन ये एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा, रोड पे भी साथ चलेगा, संग मदद करेगा। जब कहीं दुर्घटना होती है तो क्या कहते हैं लोग, कोई पुण्य आड़े आएगो, या कोई धर्म, कोई आगो शुभ कर्म आड़े आएगो ताते बचगो। इसका मतलब पुण्य कर्म साथ साथ घूम रहा था तभी तो आड़े आया, यदि एटीएम में पड़ा होता तो, क्योंकि वो धन जड़ है और ये धन चेतन है, ये हमेशा साथ रहता है। ठीक है, गवाही दे रहा है, गवाही दे रहा है, भूतल परे लकुट की नाई। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हे हरि, हे हरि, Thank you.
सफाई कर रहे हैं, सब श्रोता भी, वक्ता भी, परिचित भी, सब कमाई कर रहे हैं। ये तालियां बज रही हैं, ये क्या, ये भी एक कमाई है। श्रवण कर रहे हैं, ये भी एक कमाई है। जय हो। सभी की निगाहें मुझी पर टिकी है, सभी की निगाहें 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 सभी की निगाहें मुझ पर टिकी है, सभी की निगाहें मुझी पर टिकी है, सभी की निगाहें मुझी पर टिकी है। क्या मैं दौलत ही ऐसी कमाने चला हूँ, मैं दौलत ही ऐसी कमाने चला हूँ, दौलत ही ऐसी कमाने चला हूँ, तेरे ही तराने मैं गाने चला हूँ, तेरे ही तराने मैं गाने चला हूँ। तू सबका है, हाँ तू सबका है, सबको बताने चला हूँ, तू सबका है सबको बताने चला हूँ। हे हरि, श्रोता है ना, पुरुष श्रोता, इनमें कुछ लोग आलसी आ जाते हैं, जाने कहां कहां से आलसी, न बेचारे न के हाथ हले, न मूड हले हैं। शिशु सब राम
प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। भैया औलाद वो है जो जिसके कर्मों को देख करके माँ बाप का हृदय गदगद हो जाए, माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाए, सिर गर्व से उठ जाए। औलाद वो है भैया। अब मैं पहुंचू धनुष यज्ञ में। दीप दीप के भूपति नाना, अनेकों राजा लोग वहां आए हैं, अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं है? और जब अपना नंबर आता है तो सब देवताओं को मनाते हैं, गणेश जी को भी, शंकर भगवान को भी, सब देवताओं को मनाते हैं, नंबर आता है ना तब। लेकिन गणेश जी कहते हैं कि तुम मना तो रहे पर घर पे तो कभी तुम अगरबत्ती नहीं लगाते हमारे ऊपर। तो राजा लोग कहते हैं इतनी फुर्सत कहाँ है। तो गणेश जी कहते हैं पर हम पे भी इतनी फुर्सत ना है। जीव जब कष्ट में आता है, जब वक्त पड़ता है तो परमात्मा को याद करता है, और जब अपने मस्ती में होता है तो उसके पास समय नहीं रहता। जब बोर्ड की परीक्षाएं आती हैं तो बच्चों की लाइन लगती है मंदिरों में, बोर्ड की परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे इतने धर्मात्मा दिखते हैं, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है। और जैसे परीक्षा हुई फिर कोई दिखाई तो देते हैं कम। तो ये जीव का स्वभाव है। जब धनुष तोड़ने के लिए लोग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भगवान की पूजा भी बहुत की और वे भी धनुष नहीं उठा पाए, तोड़ना तो बड़ी बात। उन्हें शिकायत हुई भगवान से कि हमने आपकी इतनी पूजा की, इतनी सेवा की और आप काम नहीं आए वक्त पर। भगवान ने कहा हम तो तैयार बैठे थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले उस सभा में जितने लोग थे ना उसमें तुम केवल ये कामना कर रहे थे कि मेरे हाथों से धनुष टूट जाए, और सब राजा कह रहे जाके हाथों से नहीं टूटे। जो पहले कोशिश कर चुके थे वे भी कह रहे थे, और जिनका आगे नंबर आने वाला था वे भी कह रहे थे। वो हजारों थे और तू बेचारा अकेला, और कौन की प्रार्थना मानू, तू मुझे बता। समाज में समस्या का समाधान क्यों नहीं होता? समाज के लोग ये नहीं चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। समाज के ये लोग चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो तो मेरे हाथों से हो, और नहीं तो फिर किसी के हाथों से न हो। इसलिए समाज की समस्या निबटती नहीं है साहब, समाप्त नहीं होती है। बहुत से सामाजिक कार्यक्रम रहते हैं लोगों के, सामाजिक कार्यक्रम अपने अपने समाज के ही, उसमें भी अपने समाज में से भी यदि एक व्यक्ति ऊपर उठ रहा है और अच्छा उस पर जा रहा है तो भी अपना समाज है, फिर भी लोग उसकी टांग खींचना चालू कर देते हैं कि ठीक है समाज का तो है लेकिन मेरा तो कोई नाम नहीं हो रहा, नाम को तो ये ले गया। हाँ तो ये जो मन की वृत्ति है ये कभी भी आदमी को पनपने नहीं देती, इसे ईर्ष्या कहते हैं, ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या रामायण में जो सिंह का है ना, समुद्र में जो हनुमान जी जा रहे थे तो हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। ध्यान रखना ईर्ष्या वाला व्यक्ति डायरेक्ट तुमको नहीं पकड़ेगा,
इतनी उसकी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे सामने तुमको पकड़ ले, लेकिन पकड़ेगा जरूर, तुम्हारी परछाई को पकड़ेगा, तुम्हारी परछाई को पकड़ेगा और परछाई को पकड़ करके तुम्हारी गति रोक देगा। ये अलग बात है कि तुम उसकी पकड़ में या इतने बलवानों की छूट जाओ, लेकिन वो परछाई पकड़ेगा। परछाई क्या है? ये तुम्हारी प्रतिष्ठा है, ये तुम्हारा सम्मान है, समाज में तुम्हारा जो जो बनी हुई इज्जत है, वो इसको पकड़ेगा जगह जगह जा करके। लेकिन यदि तुम रामदूत हो तो ये छोटी मोटी परछाइयों को पकड़ने वाले लोग खुद पटक खाएंगे, तुम आगे चले जाओगे। जब राजा प्रयास कर करके थक थक के बैठ गए तो गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा वहां एक शब्द कहा है, सब नृप भये जोग उपहासी जैसे विनो विराग सन्यासी। भैयाओ, जनक जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि भैया आज के बाद कोई बलवान मत बनना, आज के बाद मत कहना कोई कि हम में बल है, क्योंकि आज मैंने सब देख लिए, वीर विहीन मही में जानी। अब ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, सबने सुन लिया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा बैठा है वो ऐसा सुन ही नहीं सकता। एकदम फुसकारते हुए खड़े हो गए, और न प्रणाम किया न नमस्कार किया, सीधे बाप की उम्र के हैं जनक जी महाराज, लेकिन फिर भी सीधे बोले, जनक कही जैसा अनुचित वाणी। ये जनक ने जो जो ये अनुचित वाणी कही है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। विद्यमान रघुकुल मणि जानी। एकदम सभा चौंक गई, बोले क्या हुआ, ये कौन बोला है? विदेह राज ज्ञानी महाराज है, ऐसे ऐसे साधु शिरोमणि संत को जो नाम लेकर के पुकारा है, छोटा सा वाला कौन? सबकी आंखें लखन की ओर लग गई। जब सब लोग टकटकी लगा के देखने लगे तो लखन जी ने राम जी की ओर देखा, इतना तो मैं बिना सोचे समझे कह गया, अब आप बताओ क्या करना है। तब नैन तरेरे राम, राम जी ने कहा तुम सही नहीं कर रहे, इसलिए बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, जहां बड़े बैठे हो वहां छोटों का बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है। लखन जी तो बैठ गए। तब राम जी ने गुरुदेव की ओर देखा, गुरुदेव आदेश करो। विश्वामित्र समय शुभ जानी। क्यों भैया, विश्वामित्री ज्योतिषी थे क्या? लगन बार तिथि नक्षत्र देख रहे होंगे, हम कोई नया काम करने जाते हैं तो देखते हैं पंचांग में। इसका मतलब इससे पहले जो समय था वो शुभ नहीं था, इसलिए विश्वामित्री शांत बैठे रहे। जैसे ही शुभ समय आया तो आदेश दे दिया, उठहु राम भंजहु भवचापा।
साधकों से परामर्श और विचार विमर्श करता चलूं। विश्वामित्र जी महाराज इंतजार कर रहे थे। विश्वामित्र यहां सदगुरु की पदवी पर बैठे हैं और जनक जीव है, जनक जीव है लेकिन है बहुत उच्च कोटि का जीव। इतना उच्च कोटि का जीव है कि इसके सानिध्य में रहने वाले भी संत हो जाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, इसकी सन्निधि मात्र से लोग संत हो जाते हैं तो सुनो कितनी घनिष्ठ उसकी निष्ठा होगी। सब नर नारे सुभग सोचि संता, नगरवासियों की चर्चा है ये तो। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तो अब जनक कैसे होंगे? तो जनक जीव है और जीव के जीवन में ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों जब तक नहीं आए तब तक वो अपने आप को कृतकृत नहीं मानता, संपूर्ण नहीं मानता। अच्छा, जनक जी को भक्ति तो मिल चुकी है, सीता जी क्या है? भक्ति। लेकिन जिसके यहां भक्ति होती है ना उसे ज्ञान वैराग्य बुलाने नहीं पड़ते, कार्ड नहीं भेजना पड़ता, बिना कार्ड के आते हैं। राम लखन के लिए कार्ड नहीं भेजा, बिना कार्ड के आए हैं, बिना निमंत्रण के आए हैं। क्योंकि भक्ति जहां होगी वहां ज्ञान को आना ही पड़ेगा साहब, वहां वैराग्य आएगा ही। श्रीमद् भागवत में ज्ञान वैराग्य को पुत्र कहा है। अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ये दोनों यानी मेरे बिना इनका अस्तित्व नहीं है। भैया सीता जी को यानी भक्ति को तो पा लिया है, शांति को पा लिया है, लेकिन अभी कृतकृत्य नहीं हुए। जनक भगवान को पा करके कृतकृत्य होने की इच्छा है। इस काम को कोई सदगुरु करा सकता है साहब, और वो है विश्वामित्र। एक बात और मैं कह दूं, विश्वामित्र जी जनक जी के यहां पहले से आते रहे हैं। जब ये सीता जी बहुत छोटी थी तब भी ये आया करते थे और सीता जी सेवा करती थी विश्वामित्र की। जैसे संत आते हैं घरों में तो बेटियां जैसे करती हैं, तो इतनी इतनी भाव से सेवा करती हैं कि संत का हृदय द्रवीभूत हो जाता था। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा तेरी सेवा से मेरा मन बड़ा गदगद है और मेरा मन करता है कि मैं तुझे कुछ दूं, पर मैं क्या दूं समझ नहीं पा रहा हूं, तू मांग ले। सीता जी छोटी से रहे बोली, मैं क्या जानती हूं मांगना, मैं तो कोई जानती नहीं। उसने एक बात कह दी सीता जी ने छोटी सी, बोले बाबा
मेरे लायक इस दुनिया में आपको जो अच्छा लगे हैं वो आप मुझे दे देना। बस अब दोनों बातें हो गई। मेरे लायक इस दुनिया में जो आप उचित समझते हो वो मुझे दे देना। मोर मनोरथ जानो नीके बसो सदा उरपुर सभी के। विश्वामित्र जी ने उसी क्षण प्रण किया। इसलिए भीख मांगने गया ऐसा तपस्वी जो स्वर्ग लोक बना सकता है वो दशरथ के यहां भीख मांगने गया। एक बात और खोल दूं, दशरथ विश्वामित्र के शत्रु का शिष्य है। दशरथ विश्वामित्र के शत्रु का शिष्य है। विश्वामित्र और वशिष्ठ इन दोनों की आपस में कभी बनी नहीं थी। और आपको शायद भद्दा लग जाएगा, मैं कह भी दूं, ये वासना बड़ी प्रबल होती है। ऋषि होने के बाद में भी विश्वामित्र हत्या करने पर उतर आए और वशिष्ठ की हत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। एक बात फिर भी मैं ढक रहा हूं, कह दूं, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पुत्रों की हत्या कर भी चुके हैं और एकाध नहीं 100 पुत्रों की हत्या कर चुके हैं। कितनी बड़ी दुश्मनी रही होगी सोचो। लेकिन मैं साधकों को एक सूत्र दे दूं, वशिष्ठ के मन में कभी भी विश्वामित्र के प्रति दुश्मनी नहीं आई, इतना होने के बावजूद भी। फिर अंतिम में विश्वामित्र को वशिष्ठ के चरणों में गिरना पड़ा। या तो इतिहास में एक युधिष्ठिर हुए हैं जिन्हें अजात शत्रु कहा जाता है, या एक वशिष्ठ हुए हैं जिन्हें अजात शत्रु कहा जाता है, जिनका कोई दुनिया में शत्रु नहीं था। साहब विश्वामित्र की तरफ से शत्रुता नहीं, लेकिन वशिष्ठ जी के मन में शत्रुता आई नहीं। इतना होने के बाद 100 पुत्र मर्डर किए गए, शत्रुता नहीं आई। लेकिन ध्यान रखना, अपराधी जिस दिन अपनी गलतियों को महसूस करेगा उसे प्रायश्चित के लिए जगह नहीं मिलेगी। यदि आप अपनी जगह प्रेम देते रहे दुनिया को तो समाज को तो। कभी कभी लोग संतों से भी कहते हैं, बताओ आप भी कुछ समझते तो हो नहीं, कुछ जानते तो हो नहीं और मानते भी हो नहीं है। जब वो आदमी आपके साथ ऐसा कर रहा है तो कम से कम आप सावधान तो रहो, कम से कम आप कुछ तो करो। आप तो क्या कहते, आप समझते नहीं हो, जानते नहीं और मानते भी हो नहीं है। जा बहना मोसी, कृपया प्रार्थना है अपने विचारों को दूसरे और दूसरों पर थोपने की कोशिश मत किया करो। जो साधु है उसे साधुत्व में जीने दो, जो संत है उसे संतत्व में जीने दो, जो महापुरुष है उसे महतत्व में जीने दो। अपनी क्षुद्रताएं, अपनी मानसिकताएं हैं, अपने लोक व्यवहार की अपनी मान्यताएं उन पर मत थोपो, उन्हें अपने जैसा मत बनाओ। उसमें उनका घाटा भी है और तुम्हारा भी घाटा है। कुछ लोग इतना परामर्श देते हैं संतों को, इतना परामर्श देते हैं कि देखो ठीक है आप संत हो बढ़िया हो कोई बात नहीं, ऐसे कहते हैं संत हो बढ़िया हो कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया के बारे में आप नहीं जानते हो। अब संत कुछ कहता नहीं, बोले हाँ सर बात तो सही है, नहीं जानते हैं। वैसे वो जानना भी नहीं चाहते हैं, पर तुम जनाते क्यों हो, क्या जरूरत पड़ी है जनाने की, तुम हो न जानने के लिए। और सच बताऊं, इस दुनिया को जितना कम जानोगे उतना फायदा में रहोगे, जितना कम जानोगे उतना फायदे में रहोगे, और जितना जान जाओ उतना घाटा हो जाएगा।
कभी कभी तुम्हारे मन को रखने के लिए संतों को सुनना पड़ता है, सुनते हैं, क्योंकि तुमसे वो न बोले बात न करें तो फिर तुम्हारी संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन संतों को वो प्यारे लगते हैं जो अपनी सुनाने नहीं जानते, केवल संतों की सुनने के लिए जाते हैं, अपनी सुनाने नहीं जाते, संतों की सुनने के लिए जाते हैं, वो प्यारे लगते हैं। और हम लोग तो अपना महत्व पाने के लिए संतों के नजरों में भी कुछ, और एक बात कान खोल करके सुन लो, संत कैमरा नहीं होता, संसार की आंखें कैमरे के समान होती हैं, जो तुम्हारे बाहर की बातों पर और बाहर के तुम्हारे रहन सहन पर जो नजर डालती हैं, कैमरे की नजरें, संत की नजरें तो एक्सरे की मशीन होती हैं। बाहर तुम कितने मलूक लग रहे हो उन्हें कोई लेना देना नहीं, बाहर तुम कितने सभ्य दिख रहे हो उन्हें कोई लेना देना नहीं, अंदर से तुम क्या कर रहे हो है? बस वो तो ये देखते हैं अंदर से तुम कहां जा रहे हो है? अंदर से हम क्या कर रहे हैं, संत एक्सरे की मशीन है। तो विश्वामित्र जी महाराज, मैं वशिष्ठ की जो बात कर रहा हूं इसलिए साधकों को बल मिल जाए। एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र जी महाराज जा रहे थे वशिष्ठ जी का वध करने के लिए, वध करने के लिए। रात्रि का समय था, पूर्ण चंद्रमा खिल रहा था, छत पर वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तो अरुंधति ने कहा कि सुनते हो, देखो ये चंद्रमा कितना तेजवान हो रहा है। विश्वामित्र बिल्कुल घर की दीवार के नीचे मारने के लिए छुपे हुए थे, आ ही रहे थे, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा एक बात बताऊं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि चंद्रमा तेजवान तो लग रहा है, लेकिन अभी इसका तेज विश्वामित्र के तप के बराबर नहीं है। यदि उसमें क्रोध न हो तो आज इस धरती पर विश्वामित्र के समान तप और तेजवान दुनिया में कोई है नहीं। और ये बात जब सुनी विश्वामित्र ने, वही पानी पानी हो गया, सारा पानी पानी हो गए और चरणों में जाके गिर पड़े सारा। समझिएगा, आप अपने मन में यदि किसी के साथ विरोध नहीं रखते हो, विरोधी के साथ में भी दुनिया माने मानती रहे, तो एक दिन वो तुम्हारे सामने आकर के नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन शर्त है विरोध मन में ना आ जाए, विरोध मन में भी ना आ जाए। और ऐसा विश्वामित्र उसी वशिष्ठ के शिष्य के यहां गया है जिसके 100 पुत्र मार दिए थे भीख मांगने के लिए। हाँ? हाँ? क्यों गए? सीता जी को वरदान दे करके आए हैं कि तेरे लायक दुनिया में जहां कहीं भी मुझे जो मिलेगा मैं लेकर के आऊंगा। इसलिए इधर भी बिना निमंत्रण के आ रहे हैं। हाँ? दोनों तरफ कितनी बड़ी बात है, एक तो दुश्मन के यहां मांगने जाना और बिना निमंत्रण के किसी के कार्यक्रम में जाना। वो तो आजकल जैसा सिस्टम नहीं था, आजकल तो फंक्शन होते हैं तो गेट पर रहता है एक आदमी, पर्ची वो दिखाता, कार्ड कहां दिखाओ, घुसने नहीं देते, बाहर ही खड़े रहते हैं। और ये जो समय शुभ की जो बात है वो मैं प्रार्थना करूं, विश्वामित्र जीव है, हाँ जनक जीव है,
विश्वामित्र सदगुरु है और लखन ज्ञान राम और लखन ज्ञान वैराग्य हैं और सबका संयोग होना है यहाँ। लेकिन आड़े आ रहा है अहंकार, धनुष अहंकार टूट जाए तो समझ लो जनक का जीवन कृत कृत्य हो जाएगा, जीव का जीवन कृत कृत्य हो जाएगा। और अहंकार को तोड़ने की प्रक्रिया रचता है सदगुरु विश्वामित्र हैं। लेकिन शर्त यह है जब किसी जीव के अहंकार को सदगुरु तोड़ने की बात करेगा उससे पहले उस साधक में दो बात का होना बहुत जरूरी है। एक तो अहंकार को तोड़वाने की प्रबल पिपासा जिज्ञासा खुद इच्छा होनी चाहिए कि मेरा कोई अहंकार तोड़ दे, ऐसा कोई संत ऐसा कोई महापुरुष मिले हैं इन मेरे अवगुणों को इन मेरे दुर्गुणों को कोई मारे हैं इन्हें कोई लूट ले जाए इनका कोई दमन कर दे, ऐसी खुद के अंदर से पिपासा होनी चाहिए, व्याकुलता। ठीक है ना। दूसरा वहां पर उस आंगन में विराजमान इस आंगन में विराजमान जो वैराग्य है, वैराग्य हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान रहता है लेकिन निष्क्रिय है बैठा है तो काम का नहीं है। वैराग्य खड़ा होना चाहिए सक्रिय होना चाहिए और वैराग्य गर्म होना चाहिए। जिस क्षण साधक का वैराग्य जगेगा खड़ा होगा सक्रिय होगा उसके बाद सदगुरु धनुष को अहंकार को तोड़ने का काम करेगा तो अहंकार सहज में टूट जाएगा। छुअत ही टूट पिनाक पुराना है मैं कहीं हेतु करूं अभिमान। वैराग्य का गर्म होना वैराग्य का खड़े होना वैराग्य का जागृत होना और जिज्ञासु का व्याकुल होना बहुत जरूरी है साहब। नहीं सदगुरु बैठा रहेगा हाथ पे हाथ धरे आगे की प्रक्रिया वो नहीं करेगा। क्यों? कारण बता दूं। जैसे पानी पिलाने वाली प्याऊ लगी रहती है ना तो जिन्हें प्यास नहीं होती जिन्हें प्यास नहीं होती और उन्हें समय काटना होता है वे पानी पिलाने से बाले से जाकर के मूड मारते हैं उसकी खोपड़ी चाटते हैं और भाई पानी कैसा ठीक है ना। हाँ बोले भैया ठीक है। ठंडा है कि नहीं बोले ठंडा है। मीठा बोले मीठा भी है। बोले हल्का बोले हल्का भी है। बोले कहां से लाते हो बोले भैया वहां से भर भर के गढ़ा में लाते हैं। तुम ही लाते हो कोई और लाता है हम ही लाते हैं। हजारों प्रश्न खड़े होंगे और फिर भी बाद में पीवे पीवे न पीवे लेकिन जिसे प्यास लगी हो बहुत प्यासा हो हाँ? वो कुछ कहेगा भी नहीं सीधे जाके अपनी अंजलि लगा देगा कि भाई जल्दी करो प्यास लगी है हाँ? कोई प्रश्न खड़ा नहीं होगा। जो संतों से सदगुरु प्रश्नों की लाइन लगा देते प्यास जगी नहीं है साहब। प्यास जग जाएगी तो तू केवल जाकर के अंजलि लगाएगा ओख कहते हैं काम ओख लगा लेगा है? जब ओख लगा लेगा तू तो पिलाने वाला अपने आप समझ जाएगा कि बहुत प्यासा है बहुत प्यासा है। और जो पानी पिलाने वाला है और आपने अंजलि लगाई और उसने यदि पानी न दिया तो फिर वो पिलाने वाला नहीं है साहब। रोका नहीं जाएगा पिलाने वाले पर आपकी अंजलि को देख करके हैं? रोका ही नहीं जाएगा। इसलिए साधक में व्याकुलता बहुत जरूरी है प्यास बहुत जरूरी है। तो जनक जी में जब तक प्यास न जगी व्याकुल न हुए तब तक विश्वामित्र बैठे रहे और जैसे ही व्याकुलता दिखी रो पड़े जनक
तब गुरु ने कहा कि ओठहु राम वंजहु भव चापा। और एक बात पर बताऊं, वैसे पहले से भी जनक को ज्ञानी कहा जाता है ना, समझ के चलना। जनक तो पहले से ज्ञानी है, लेकिन अहंकार को क्यों नहीं तोड़ पाए? जब ज्ञानी है तो अहंकार को क्यों नहीं तोड़ पाए? ज्ञान की कई भूमिका होती है साहब। एक समय ऐसा होता है कि ज्ञान ही अहंकार को पैदा करता है और उसकी सुरक्षा करता है। यानी ज्ञान से ही अहंकार पैदा होता है कि मैं ज्ञानी हूं, आई एम माइंडेड, आई एम साइंटिस्ट, आई एम मनी मैन, आई एम नॉलेज मैन, आई एम प्रिसेप्टर। ज्ञान है नहीं, ज्ञान ही अहंकार को पैदा कर रहा है और पोषण कर रहा है। लेकिन अच्छे लग रहे हैं यार। अब पता नहीं इन गन्नाओं के रूप में कौन से महापुरुष हों जो आशीर्वाद देने मेरे सिर की तरफ आ रहे हैं, तुम क्या जानो। अरे जरा लगाना यार। बहुत हो चुकी है ख्यालों की बातें, गले लिपट जाने को उसका मन नहीं माना। आ गया लिपटने तो मैं क्या करूं है। बहुत हो चुकी
ख्यालों की बातें मौत हो चुकी है, ख्यालों की बातें गले लिपट जाने को, गले लिपट जाने को, यही डूब जाने को, यही डूब जाने को, जी चाहता प्यारे, तुम ही तो हो सागर मोहब्बत का प्यारे, तुम ही में समाने को, यही डूब जाने को, जी चाहता है तेरे पास आने को, जी चाहता है तेरे पास आने को, जी चाहता है। जिन यह वारिन मानस धोए, ते कायर कले काल विगोए। जिन यह मानस धोए, ते कायर कले, सौभाग्यशाली हैं हम लोग, हमें भगवान ने चुना है, हमें भगवान ने चुना है, सौभाग्यशाली हैं। और जिन्हें भगवान ने नहीं चुना है, अब इनसे का कहें। तुलसी बाबा ने कह दिया,
ते कायर कले काल विगो। भगवान ने किसी को राम कथा की सेवा के लिए, किसी को तीन दुखियों की सेवा के लिए, किसी किसी को दोनों की सेवा के लिए चुना है, और चुनाव में वो जीतते हैं हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। हमारे शर्मा जी जो सेवा संस्थान से आए हैं, हमारे शर्मा जी का स्वभाव भी बड़ा निर्मल है साहब, बड़ा प्यारा स्वभाव है। एक बार तालियां इनके लिए बजा दें। इन बच्चियों के दान से बड़ी शिक्षा मिलती है। इन्होंने जो ये धन इकट्ठा किया है ना, वो अपने लिए जो जेब खर्च मिलता है मेला के लिए और भी कामों के लिए हैं, वो इकट्ठा करके और ये सेवा की, कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है इस बात से। और एक और शिक्षा मिलती है, कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले लायक नहीं हैं, तो मिलजुल करके बात बना ली है दोनों बहनों ने कि तेरी तू दे और मेरी मैं दूं, अच्छी बात है। और देवरानी जेठानी तो मिल नहीं सकती है, तो बहन बहन थी सो मिल गई, देवरानी जेठानी का मिल पाती है। और सास बहू तो बात ही मत करो है। अब इतना और बता दूं, कल और परसों सिर्फ दो ही दिन है आपके पास। नर्सों तो तुम खुद ही होश में नहीं हो गए है ना, कल और परसों। परसों नर्सों के लिए बैठे नहीं रहिएगा, कल और परसों में जिन्हें सेवाएं करनी है वे कर सकते हैं। और इनसे जो शिक्षा मिली है ना, वो मेरे हृदय में स्थान बना रही है। दो मिलके, तीन मिलके, चार मिलके, पांच मिलके, छह मिलके हैं, तो भी सहयोग तो सहयोग है। सिमेटे सिमेटे जल भर ही तलावा, जिमे सदगुण सजन पहियावा। एक बात याद आ गई है, मैं कह दूं है? जो बहुत बड़े धनवान होते हैं ना, वे कोई दान करें तो बहुत भगवान की कृपा समझना, क्योंकि जैसे जैसे पेट बढ़ता है, धन बढ़ता है, वैसे वैसे सीना पिचक जाता है, यानी दिल छोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई धनवान होने के बाद दान करता है तो समझ लो भगवान की बहुत कृपा होगी। तो लेकिन जिनके पास नहीं होता उनका दिल बहुत करता है, उनका दिल बहुत करता है, लेकिन हमारा मन संकोच क्यों कर जाता है कि वहां इतनी इतने लायक अपन है नहीं, वहां कम से कम इतना होना चाहिए तो अच्छा लगेगा है ना, ऐसा सोच के मन रह जाता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। गिलहरी ने समुद्र पर पुल बना था ना, गिलहरी ने द्रोणागिरि पर्वत नहीं उठाया था,
गिलहरी की पीठ पर देखिए पांव, तीन उंगलियां छपी रहती हैं। जब समुद्र बनाता भगवान राम ने बनवाया था तो गिलहरी जो है ना थोड़ा थोड़ा लेकर समुद्र में डाल रही थी। तो हनुमान जी ने, हनुमान जी खड़े थे, राम जी ने कहा कि देखो वो कितना छोटा सा प्राणी, वो क्या कर रहा है? बोले वो भी समुद्र में सहयोग कर रहा है। हनुमान जी से कहा राम जी जरा बुलाओ तो। तब गिलहरी से पूछा कि तुम, तुम्हारे से क्या होगा? बोले इससे कुछ हो या न हो मुझे संतुष्टि होगी कि मैं काम आ सकी, बस और मुझे क्या चाहिए? जो मेरी सामर्थ्य है, और जब सेवा आपकी निगाह में आ जाएगी ना तो मेरी सेवा की कीमत नहीं है, मेरे भाव की कीमत है। वो आप आपके दिमाग में तो, आपके हृदय में तो मैं आई कि हम एक छोटा सा जीव सेवा कर रहा हूं। तो परमात्मा को, परमात्मा तो हमें देखता है ना, हमारा अंतर हृदय में बैठा हुआ परमात्मा हमें देखता है। तो जो बात मुझे याद आई है वो मैं कह दूं, एक बात और कह दूं, बड़े बड़े पैसा वाले 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपए दान करें उनको प्रणाम, लेकिन कोई गरीब, कोई गरीब अपने में से जितना है उतने में, जितना बहुत कम है उसमें से भी निकालने की कोशिश करता है, उसे डबल प्रणाम करना चाहता हूं। उसका कारण जानते हो? एक संतों की टोली जा रही थी तो एक व्यक्ति ने 50 हजार की गड्डी संत को दी और साथ में शिष्य थे उनके 10-20। संत ने कहा ठीक है, सुखी रहो। आगे जाकर के जा रहे थे, रास्ते में एक बुढ़िया थी, उसकी बुढ़िया की जो 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 रहता है ना कपड़ा साड़ी, उसमें पैसे बंधे थे, कुछ लकड़ी बेच के आई थी, उसमें पैसे बंधे थे। उसने संतों को देखा, अरे बोले बाबा बाबा रुको रुको मैं आई, मेरी प्रार्थना सुनो। उसने अपना वो खोला और उसमें से 75 पैसे 75 पैसे निकाले और बोली बाबा ये मेरे, ये मेरी सेवा है, मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन मेरी सेवा है, क्योंकि मैंने अपने पुरखाओं से सुना है कि संत दिखे तो कुछ सेवा करनी चाहिए, पर मुंह पे इतनो ही है, जो कुछ हो सो मेरे जी है, आप स्वीकार कर ले। जब 75 पैसे में से 25 पैसे संत ने उठाए, बोले ये 50 तो रख ले। नहीं नहीं बाबा, मेरे पे जो कुछ है वो सब आपका है, कल मुझे परमात्मा और देगा। 75 पैसे पूरे दिए और उस समय संत के आंसू आ गए आंख में, और उस 75 पैसों को संभाल करके जीवन भर उस संत ने रखा। शिष्यों को शंका हुई कि आप उसके लिए नहीं रोए, इसके लिए रोए, और इसके इस 75 पैसे की इतनी कीमत, इतना संभाल के तुम रख रहे हो। तब उस संत ने कहा, वो करोड़पति था, और जब उसने 50 हजार दिए तो कितना परसेंट हो गया, लेकिन इस पर टोटल 75 पैसे थे, उसने अपना सर्वस्व दे दिया है, अब उसके पास कुछ बाकी नहीं है, अपना सर्वस्व दे चुकी है वो, हैं? तो मेरे आंसू क्यों नहीं आएंगे? हमारी भावना, हमारा मन, तो एक 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 नीति में तो यहां तक कहा है कि जिसके पास है नहीं और देने की भावना है भीतर से, तो परमात्मा से देना चालू कर देगा। ये अट्रैक्शन ऑफ लॉ का नियम है, ऐसा सिद्धांत कहता है। मिल गई दीन दुखियों की सेवा मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं। अच्छा, देने के बाद देखो लगता कैसा है, देने के बाद लगता कैसा है, सुकून का पार रहता है, कितना सुकून मिलता है। किसी को भोजन कराने के बाद कितना सुकून मिलता है, शायद वो करोड़ों कमाने के बाद में वो सुकून मिले मिले, वैसे मैं उल्टा कह रहा हूं, मिले ये तो गलत ही है,
करोड़ों कमाने के बाद बिना दिए सुकून मिल ही नहीं सकता। गीता प्रमाण करती है कि त्यागा शांति रनंतरम, जब तक तुम्हारे पास जो आया है उसमें से त्याग नहीं दोगे तब तक तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। अरे भैया सीधी सी बात है, केवल बाहर से जो आ रहा है उसे पेट में भरते रहोगे तो पेट भूल जाओगे। यदि पेट खाली न हुआ, त्याग न हुआ, हैं? त्याग होना तो बात छोड़ो, त्याग करने में देरी भी कर दी ना, भाव मेरी भाषा समझ रहे हो कि नहीं? त्याग की इच्छा हो रही है सुबह सुबह, या तुम गाड़ी में जा रहे हो, एक नंबर की इच्छा हो रही है त्याग की, है ना? त्याग ही तो है। अब त्याग की इच्छा हो रही है और गाड़ी आपकी चल रही है, आसपास बड़े सुंदर सुंदर बगीचे, महल मकान, बिल्डिंग हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप देख रहे हो बाथरूम कहाँ है, आपकी निगाह है कि बाथरूम कहाँ है, जल्दी से जल्दी मिले और मैं त्याग कर दूं। और जब त्याग हो जाता है फिर कहते हो जान बची और लाखों पाए। और यदि वो त्याग न हुआ तो फिर दिक्कत रहती है ना, ऐसी शांति जब तक आएगी नहीं जब तक त्याग होने जाएगा जीवन से। हैं? मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, मिल गई दुखियों की सेवा मुझे, जमाने की दौलत नहीं चाहिए, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे, दूसरी कोई संगत नहीं चाहिए, साधु संतों की सेवा मुझे, जमाने की दौलत नहीं चाहिए, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा। तेरे रंग में रंग कर रघुवर, हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी यहां भूमिका निभा रहे हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा। राम जी चले हैं धनुष तोड़ने के लिए, क्रोधक द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैतक बिनु अज्ञान। थोड़ा सा थोड़े से एकाग्र रहना पड़ेगा समझने के लिए।
जब तक द्वैत बैठा है तब तक ज्ञान नहीं है। जब तक द्वैत बैठा है तब तक ज्ञान नहीं है, नॉलेज हो सकती है, जानकारी हो सकती है। जानना अलग चीज है और ज्ञान होना अलग चीज है। द्वैत जब तक बैठा है तब तक ज्ञान अहंकार की वृद्धि करेगा, और जिस समय द्वैत मिटेगा उस समय अहंकार टूट जाएगा और उसे किसी सदगुरु के इशारे पर परमात्मा ही तोड़ेगा। हमारे उस अहं को किसी सदगुरु के इशारे पर, समझ रही भाषा समझ रहे हो ना, विश्वामित्र के इशारे पर परमात्मा हमारे अहम को तोड़ेगा। एक भाव। दूसरा भाव है जब आप अपने अहम को तोड़ने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हारे अहम को जगाने की कोशिश करेंगे। जब आप अपने अहम को तोड़ने की कोशिश करोगे तो संसार के लोग अहम को जगाने की और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैसे? जब आप किसी अपने लक्ष्य की तरफ चलोगे, परमात्मा की तरफ चलोगे, अध्यात्म की तरफ चलोगे, तो दुनिया के लोग तुम्हारी खिल्लियां उड़ाएंगे, हंसियां उड़ाएंगे, तो तुम्हें कभी कभी क्रोध आएगा, और क्रोध बिना अहंकार के आ नहीं सकता, क्योंकि क्रोध तभी आता है अपनी वासना पे चोट पड़े या अपने अहंकार पे चोट पड़े। तो उस समय यदि क्रोध हुआ तो अहंकार और फूल जाएगा। ऐसी स्थिति में राम जी ने हमें एक निर्देश दिया, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन हु मत मद कुंजर गामी। राम जी कैसे चले? हाथी की तरह से। हाथी कैसे चलता भैया? मतलब भौंकने वाले भौंकते रहते हैं और हाथी की चाल पे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब भौंकने वालों का नाम नहीं लूंगा मैं। इतना समझ लो, भौंकने वालों की जो पूंछ होती है ना वो ऊपर रहा करती है, उनकी पूंछ ऊपर रहा करती है और टेढ़ी रहती है, सीधी कभी होती नहीं है। वैसे भौंकने वाले वफादार हुआ करते हैं, ध्यान रखना, भौंकने वाले वफादार हुआ करते हैं। इन भौंकने वालों को जो लोग पाला करते हैं उनकी बहुत अच्छी तरह वफादारी करते हैं। और ज्यादातर भौंकने वाले पालतू होते हैं, ज्यादातर पालतू होते हैं। जब राम जी चले तो आसपास जो थे ना भौंकने वाले, वो उन्होंने भौंकना शुरू किया। राम जी ने कोई चिंता नहीं की, भौंकने वाले भौंकने लगे, देखो जी राम, अटो ओ भैया, ओ देख लो दर्शन करो, ओ जी जी छोरा छोटो सो नेक सो, देखो धनुष तोड़े को, हटिया हटिया रास्ता छोड़ो धनुष तोड़े को, ये तो हाँ बड़े बड़े योद्धा दीप दीप के राजा बे नहीं तोड़ पाए, जी चलो तोड़े हो, देखो भैया। आपसे भी लोग कहेंगे, ओहो भगत जी जा रहे हैं, हटो हटो, हाँ संत जी महाराज हैं, भगतानी, ओहो भगतानी की पूछ हैं, तिनके बचन ब्याग हर ब्याला,
तिनके वचन बाघ हरे ब्याला, वे कभी दहाड़ेंगे हैं, कभी फुसकार मारेंगे। लेकिन यहां राम जी चले जा रहे हैं, भौंकने वाले भौंकते रहे। अच्छा एक बात बताओ, राम जी इनके मोहन लगते तो क्या धनुष तक पहुंच पाते क्या? बोलो करो भैया, हैं? नहीं पहुंच पाते। आप भी साधकों को ऐसे ही चलना चाहिए, साधकों को ऐसे ही चलना चाहिए कि भौंकने वाले भौंकते रहें। और साधक का तो एक ही लक्ष्य रहता है, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वाले पूछते हैं आपको क्या हो गया, दुनिया वाले पूछते हैं आपको क्या हो गया, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी को कुछ बताने जी। माला लेके बैठी है ना कि जल्दी जल्दी चले, धनुष भनुष देखे जाए, कल ये फूल धरे रह गए, आज भी नहीं रह जाए कौए। एक बात तो कह बिना आगे नहीं बढ़ूंगा भैया, वो मुझे जरूर कहनी है, और बुरी लगे तो वापस, और अच्छी लगे तो तुम्हारी तुम्हारे बाप की। बुरी लगे तो हम खेलते थे ना बचपन में, तो कहते भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी। बस इतना कहना चाहता हूं, ये भौंकने वालों को किसी ने पूछा कि हाथी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम बेचारे पे क्यों भौंक रहे, तुम्हारा उसका कोई बंटवारा नहीं है, उसने तुमसे कुछ कहा नहीं है, कोई तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारे कोई समाज का नहीं है, फिर भी तुम क्यों भौंक रहे हो? भौंकने वालों ने तो कुछ नहीं कहा, उत्तर ही नहीं था, लेकिन किसी दूसरे ने कह दिया, उन्हीं के समाज वाले ने बोले, बात कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है, कह दूं जब हाथी आता है ना गांव में, तो गांव के बड़े बूढ़े लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कड़े सी महाराज आए हैं, ऐसा मानते हैं। बच्चों को बोला बेटा जल्दी से आओ, गणेश जी के दर्शन करो, हाथ जोड़ो, तो जब सब पूरा गांव उनके हाथ जोड़ता है ना, तो ये उन भौंकने वालों पर बेचारों पर सहन नहीं होता, इसलिए बेचारे और कुछ कर नहीं सकते, भौंक भी तो जाए, इसलिए भौंक शुरू कर देते हैं।
जब तुम में से कोई साधक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा और दुनिया में उसकी प्रशंसा होगी, प्रतिष्ठा होगी, लोग उससे हाथ जोड़ेंगे, हैं? तो जो जो उधर जा तो सकते नहीं है, उस चाल को चल तो सकते नहीं है, तो फिर का करें, भौंके बेते हुए जाए। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य को उनको भौंक करके अपनी कम से कम आग बुझा लेने दिया करो, आप अपना काम करते रहा करो। धनुष के पास पहुंचे हैं प्रभु और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। सीता जी की ओर देखा, शंकर भगवान से पूछा क्या करूं, बोले तोड़ दो। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काउन लखा देखे सब उठाड़े। जैसे ही राम जी ने और अपने धनुष की ओर दृष्टि डाली, राजा अपनी हंसी खुशी में लग गए, मजाकों में लग गए और राम जी ने धनुष उठाया और एक बात बताओ, राम जी ने धनुष तोड़ा, ब्याह होगा राम जी को, तुम्हें काई खुशी हरी है? देखो फालतू खुश हो रहे, तुम्हें काई खुशी हो रही है? अच्छा, यानी दूसरों के भले होने में सज्जनों को खुशी होती ही है। लेकिन अब एक बात पूछूं, आप में से ही बहुत से ऐसे बैठे जिन्होंने ताली बजाई, मुड़ू ना हला, ऐसे बैठे बिल्कुल जैसे प्लास्टर की मूर्ति बनी बनी। भैया उन्हें खुशी क्यों नहीं है? क्या बात है? यदि मैं उनसे पूछूं तो वे यहां उत्तर तो नहीं देंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको, हो तो भाई कुछ लोग शुरुआत जन्मजात होते ही ऐसे कि उन्हें काऊ को ब्याह अच्छा लगत तो ही ना, अब बेताली कैसे बजा दे, कैसे बजा दे। राम जी खड़े हो गए धनुष को तोड़ करके, सीता जी माला लेकर के आई हैं, सखियां साथ में हैं, लेकिन अब करें का माला जब डरे, जब सीता जी वहां तक पहुंचे, सीता जी पहुंच नहीं रही और राम जी तो अपना खड़े हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बहुत देर हो गई, सब लोग देख रहे हैं। उस सभा में केवल राजा ही नहीं थे, राजा के रूप में देवता भी थे सभा में, और बताऊं देवता ही नहीं थे, केवल देव नहीं थे, देवों के देव भी वहां थे। दुनिया दो दो आंख से देख रही थी और महादेव तीन तीन आंखों से। झूठा सोच के बोलो, नयन पंचदश, मेरे पुराने परिचित ने बताया सही सही, अजयपुर वाले परिचित ने ऐसे करके ऐसे करके, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। पंच माने पचास, पांच, दस माने दस, कितने हो गए, साढ़े पैंतीस, अच्छा पंद्रह, गणित मेरा कमजोर है थोड़ा। सब खड़े हैं, बैठे हैं कुछ दर्शन करने के लिए कि कब माला परे और कब हम पलक गिराएं। पलक टकटकी, उन्होंने पलक टकटकी लगा कर पलक झपकना बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं होगा हमारे पलक झपके इतनी देर में माला पड़ जाए तो सब आनंद रह जाएगा। अच्छा, जब बहुत देर तक पलक झपकना बंद कर दिया तो क्या हुआ, फिर जबरदस्ती पलक गिरने लगे। ज्यादा देर आप नहीं झपकोगे तो क्या होगा, फिर जबरदस्ती गिरने लगे।
तो कुछ लोगों ने तो अपनी उंगलियों से पकड़ ली, अब गिरो। अब गांव में कहते हैं कि न बाबा आवे और न घंटा, न राम जी झुके और न माला परे और न बिचारी के पलक गिरे। सीता जी की मैया ने सोचा कि अब कौन कहे जाकर के अपने मंत्री से, कहा मंत्री महोदय आप ही जाके थोड़ी प्रार्थना करो, ने जी ने झुक जाए घंटनो है गए थोड़े से झुक जाए। मंत्री बोले कि जहाँ इतने बड़े बड़े राजा महाराजा और राज और महाराज बैठे हैं और हम मंत्री ठहरे, अब कैसे हम, और वो भी बेटी की तरफ से हैं। तो बोले आप नहीं कह सकते तो महाराज से जाके कहो। मंत्री गए बोले महाराज थोड़ी प्रार्थना कर लो काम बन जाए तो। जनक जी बोले अब हम तो बेटी के बाप हैं कैसे कहें, कौन लगता है राम जी, कौन लगे जनक जी के दामाद। देखो हमको इस संबंधों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। हाँ अच्छा जमाई क्या होता है, है? जमाई अलग होता है, एक ही बात है। अरे तो ठीक है, जमाई कहवे बारे आते हैं हमने, क्यों गलत नहीं है यार। हाँ ठीक है दामाद कह लो चाहे, दोनों का मतलब ठीक है। ठीक है अच्छा जो जम जाए वही। जो चारे पामंते में खग जाए जम जाए वो दोनते। अच्छा दो हाथ भी लगा दे। अब जनक जी बोले कि आखिर अब हमारे जमाई हैं दामाद है और हम थोड़े ठहरे बेटी वाले, हम कैसे कह सकते हैं कि आप सिर झुका दो हमारे यहाँ। सुनैना ने देखा मंत्री जी को, मंत्री बोले जो मना कर रहे हैं यहाँ भी केस। तो बोले लेकर आगे भजा बे डाडी बारी बाबा बेटे विश्वामित्र जी, वे तो कह सकते हैं, वे तो गुरु है। मंत्री वहां भी गए बोले महाराज आप भी कुछ कृपा करो, संतो आप तो पर परमार्थ के कारण साधु न धर्यो शरीर। विश्वामित्र जी ने कहा सुनो भैया धनुष तक की जिम्मेदारी हमारी सी तो हमारी थी, तोड़वा दिया है, अब पूरा ठेका हम न ले रहा गए, अब तुम जानो तुम्हारो काम जाने, पूरे ठेकेदारी नहीं ले। साधु का काम युक्ति बताना उपाय बताना है, वो हमने बता दिया। हाँ संसार के प्रपंच में साधु पड़ जाएगा तो फिर पहले तुम ही उन्हें लेके हाथ जोड़ करके बुला के ले आते हो है? साधना से और फिर तुम ही हो सकता डंडा मार के भगाने लगो। इसलिए अपन तो तटस्थ हैं। सुनैना ने कहा क्या हुआ, बोले गुरुजी कुछ ना कर रहे मना कर रहे। सुनैना बोली कि अब क्या करें, तो अपनी सखियों से बोली अपे कछु प्रार्थना करो गायबे के बहाने दे। तो सुनैना जी ने प्रार्थना करी है साहब, झुके जाओ कौसल्या जी के लाल लली मेरी छोटी सी, झुके जाओ कौसल्या जी के लाल लली मेरी छोटी सी, झुके जाओ दशरथ जी के लाल लली मेरी छोटी सी। जाओ कौसल्या जी के लाल लली मेरी छोटी। अभी माला में दिल लगी ताते बंद कर दो मेरे संगीत। सीता जी खड़ी हैं माला पढ़ नहीं रही और सुनैना प्रार्थना कर रही है, लेकिन राम जी उस प्रार्थना को भी अनसुनी
कर रहे हैं। अब हुआ क्या, जब बहुत देर आएंगे वो परेशान कौन बे पलक पकड़े पकड़े बेचारे। हे भगवान जल्दी से कह तो सीता जी को ऊंची उठाओ या राम जी को नीचे गिराओ। सुनैना जी की प्रार्थना भी अनसुनी हो गई। तब सीता जी ने देखा कि पूरा समाज व्याकुल है, अपनी कछु करें। तब सीता जी ने लखन जी से कहा, मन ही मन बात हो रही है, बोले लखन भैया, बोले हाँ माँ, बोले आप तो शेषनाग हो ना। हाँ बोले सो तो है 100%। बोले पृथ्वी आपके फन पे टिकी है, बोले वे भी सत्य है। तो बोले ऐसा करो ने का हमारी तरफ से धरती पृथ्वी को ना ऊंची उठाई दे, भगवान की तरफ से थोड़ी सी नीची कर दे। सजी सब परेशान है बेचारे हैं, समस्या का समाधान हो जाए। लखन जी बोले कि ऊंची तो तुमको तितनी उठा दे, नीची को तितनी कर दे। पर चक्कर तो ये है कि धरती पूरी की पूरी एक है, तुम दोनों एक ही धरातल पे हो, उठेगी तो पूरी उठेगी और नीचे होगी तो पूरी होगी, अलग अलग तो है नहीं। अब तुम दोनों ऊपर नीचे तब हो जब पूरी पृथ्वी में और तुम्हारे बीच बीच में एक दरार पड़ जाए और दो हिस्से पृथ्वी के हो जाए, हैं तब एक ऊपर नीचे हो सकता है। तुम कहो तो कर दूं, बोलो। सीता जी बोली क्या बताएं। लखन जी बोले संत का काम, साधु का काम दो दिलों के बीच में दरार डालना नहीं होता है, धरती की दो टुक करना नहीं होता। ये तो नादानों का काम है, जो जो खेत की मेड़ मेड़ बना बना करके धरती में दरारें डालते हैं, हैं और घरों के बीच में दीवारें लगा लगा करके घरों में दरार डालते हैं। ये संतों का काम नहीं है, मैं ये दरार नहीं डाल पाऊंगा। मैं ये बताऊ तो बोले हम ऐसे ही खड़े रहे। बोले नहीं तो उपाय है तुम्हारे पास। गजू बोले हाँ है। तो बोले करो। इधर गुरुजी भी कजू समझ रहे थे थोड़ा थोड़ा, बोले ये क्या गुप्तगू हो रही है। गुरुजी ने कहा लगन क्या बात है। बोले कुछ नहीं गुरुजी, ये जो जो समाज में जो जो परेशानी खड़ी है इस समय है, बेचारे लोग परेशान हैं, इस समस्या के समाधान के बारे में सोचा जा रहा है। कोई मिला? बोले हाँ मिल गया, तो जल्दी करो जैसी आपकी आज्ञा। धनुष बाण रख के सीधे जाकर के लखन जी चरणों में राम जी के गिर गए। भूतल परे लकुट की नाई, ऐसे गिर गए जैसे गन्ना को झुंड नीचे गिर जाता है। मेरे आसपास गन्ना देख के तुम्हारे मुंह में पानी फानी तो नहीं आ रहा? आ तो रहा भैया। लखन जी चरणों में पड़े हैं। राम जी ने कहा जब बहुत देर हो गई कि अरे आज कैसी प्रणाम कर रहे हो, तो लंबी चौड़ी अब हो गई हो तो अब हम कह देंगे। तुम कहो तो अभी चार दिन माला नहीं परंदे। डलवा गए हैं, परेशान है लोग बेचारे। तुम परेशान हो? अच्छा तुम परेशान हो, तुम्हें फूल परेशान ज्यादा है। भैया
राम जी ने कहा लखन भैया अब तो तू खड़ा हो जा, बहुत देर रह गई। बोले आज खड़े होने के लिए नहीं गिरे हैं, आज तो गिरने के लिए गिरे हैं। बोले मतलब? बोले आए तो तुम अपने हाथों से उठाओगे तो ही खड़े होंगे, और नहीं तो पड़े रहेंगे, जिंदगी बीत जाए, हम खड़े नहीं होंगे। राम जी बोले जी अच्छो। बोले आज कोई मुहूर्त फुर्त निकले होगा? बोले हाँ गुरु जी ने मुहूर्त निकाला है, विश्वामित्र समय शुभ जानी मुहूर्त निकाला है। तो बोले क्यों आज ऐसा क्या हो गया कि आप आज मेरे उठाने से? बोले मैंने एक सत्संग सुना था, वो आज समझ में आया मेरे। बोले क्या? बोले मैंने सुना था कि जो अपने बल से खड़े होते हैं उठते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन जिसे आप उठाओ अपने हाथों से उसे फिर दुनिया में कोई गिरा नहीं सकता है, इसलिए आज तो उठाना ही पड़ेगा। राम जी बोले बड़ी क्या कहते हैं बात अड़ गई है। राम जी ने कहा भैया तेरे को पताया है मेरी इज्जत का सवाल है, दुनिया के लोग ये कहेंगे कि हाँ वो भैया को इशारे से बुला लिया होगा कि तू प्रणाम करना मैं तुझे उठाऊंगा, सोई माला पड़ जाएगी, ये भी एक नाटक होगा, लोग बहुत हंसी उड़ाएंगे, मेरी इज्जत का सवाल है। लगन जी ने कुछ नहीं कहा। अब बस इतना ही कह दूं संक्षेप से कि जब भक्त में और भगवान में ठनी, चाहे वो सतयुग हो चाहे द्वापर चाहे त्रेता चाहे कलयुग, पिता में भीष्म से ठनी महाभारत के युद्ध में, हैं अनेकों जगह जब भक्त और भगवान की ठनी वहां भगवान को जीतना पड़ा, हैं। अच्छा इतने ध्यान से सुनते हो तुम लोग, बलिहारी जाऊं बलिहारी। भगवान ऐसे श्रोता सब दे हैं जो एक गलत बोलन नहीं दे, गुरु की जबान पर ताला लगा दे। आप भी तो ताला लगा दे, तो जैसे ही मैंने गलती की तुम्हारी आंख चढ़ जाती है ना। राम जी ने कहा कि भैया मेरी इज्जत का सवाल है। बोले आप जानो आपका काम जाने, अब आपको हमें तो उठाना ही पड़ेगा, बस और कुछ नहीं जानते आप, ठीक है। अब राम ने देखा कि जब बात नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, अपना मान टले टल जाए पर भगत का मान न टलते, देखा और राम जी जैसे ही झुके और सीता जी ने माला। अब मना लो सब दो पांच मिनट, ठीक है। रजया धनंत मन में
गए मस्ताने और कोई क्या जाने चंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। आप जब झूम रहे थे, नाच रहे थे, आपको देख करके एवं आज राम जानकी विवाह के उपलक्ष में जिन दानदाताओं ने घर बैठे कन्या दान कर रहे हैं उनके विवाह में और उन दिन दिखियों की सेवा में अपने धन रूपी लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए कुछ सहयोग समर्पित किया है। मोनिका जी चुरू राजस्थान से राम जानकी विवाह के उपलक्ष में कन्यादान हेतु 25,000 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामा देवी जी भावनगर गुजरात से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए सहयोग भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम जी अमृतसर पंजाब से दो बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी जम्मू कश्मीर से तीन बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। विमला देवी जी वेस्ट बंगाल से दो बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हीरा लाल जी बाड़मेर राजस्थान से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए सहयोग भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी भोपाल मध्य प्रदेश से तीन बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग भेज रहे हैं, उनको धन्यवाद। गुप्तदान अहमदनगर से दो बच्चों के ऑपरेशन के लिए 9,500 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप भी अपने दान एवं नाम की घोषणा टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप जरूर करवाएं और यह राशि नारायण सेवा संस्थान में अधिक से अधिक पहुंचाएं ताकि उन बच्चों के विकलांग भाई बहनों के ऑपरेशन, दवाई, भोजन किसी न किसी रूप में आपकी धन रूपी लक्ष्मी उनके समर्पित करने से वो काम आएगी और वो लाभान्वित होंगे। अब कथा पंचम दिवस की कथा अभी बाकी है थोड़ी बहुत, तो आप जरूर आनंद लीजिए। तो आपको लिए चलता हूँ परम सदे आचार्य प्रवर गुरु जी के पास। जय श्री राम। हम हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, हम हो गए मस्ताने, हम हो गए। अब हमारे पास 15 मिनट हैं
अब ये बताओ, बारात तो समय में आ नहीं पाएगी, कोहबर कर दूं? कोहबर जानते हो? अच्छा चलो, जो कुछ हो सो ठीक है, बारात को कल के लिए छोड़ देता हूं। मन हुआ तो अलग बात, नहीं हुआ तो अलग बात, ठीक है। अरे पर कोहबर तो बाद में होगा, बारात पहले आएगी। बारात के बिना कोहबर कैसे हो जाएगा? एक तो क्या बताएं, हमको जानते तो है नहीं इन बातों में। बारात बुला ले, अच्छा चलो कोशिश करते हैं, ठीक है, जितना हो संक्षेप से। कोहबर कल करेंगे, ठीक है, कोहबर कल करेंगे। आज बारात थोड़ी सी चर्चा करता हूं, तो अपनी अपनी पसंदें अलग होती है। रीति रिवाजों के अनुसार सूचना भेजी गई दूतों के द्वारा दशरथ जी के पास, और उधर से वो बारात लेकर के चले। लेकिन दुनिया की पहली बारात थी ये, दुनिया की पहली बारात थी जिसमें दूल्हा ससुराल में पहले से ही था और बारात खाली थी, बिना दूल्हे की थी। ऐसी बारात कहीं तुमने देखी है? इसलिए कहना चाहता हूं, बारात ही विचित्र है सब। दुनिया की बारातों में व्यवस्थापक उनका बाप होता है, और इनकी बारात में व्यवस्थापक बाबा लोग हैं, दाढ़ी वाले वशिष्ठ जी हैं, आगे आगे जा रहे हैं व्यवस्थापक पूरे। अनोखी बारात, अनोखी अनुपम बारात। क्या हो तो राजा की कोई छोटी मोटी बारात तो होगी नहीं, हाथी घोड़ा रथ पैदल, और नगर के भी लोग और गांव के लोग। नगर के लोग अपने अलग ताने बाने में, और गांव के लोग अपने अलग ताने बाने में। बढ़िया सापा वापा लगा के, और बार बार ऐसे, बार बार ऐसे। और इसी अहंकार भी है कि कोई पूछे कौन है, बोले दशरथ की बारात के बराती चक्रवर्ती सम्राट। वैसे तो बरातियों को वैसे नशा ज्यादा होता है, और फिर ऊपर से दशरथ की बारात में सब तरह के लोग, महाराज जा रही है साहब, बहुत धूल उड़ रही है और बड़ा लंबी यात्रा है, तो लोग जिधर जो गांव पड़ते हैं रास्तों में, गांव वाले लोग हैं वो देख करके भीड़ भाड़ दौड़ते हैं कि ये क्या है क्या है। आकर के बोले, बहुत देर तक देखते रहते हैं, बोले बाबा, फिर हाथी घोड़ा पब्लिक सब, ये क्या है? तो वो डरते डरते किसी को बारात में से बोले, हम जानना चाहते हैं ये आप है? बोले दिखाई नहीं देता, बारात ही है, बारात जा रही है, बारात बारात। बोले कहां से आ रही है? बोले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के बेटे की ये बारात है, हम उसके बराती हैं। अच्छा अच्छा, बोले कहां जा रही है? बोले विदेहराज जनक के नगर में ये बारात जा रही है। अच्छा, उसने पूछा कि दूल्हे साहब कहां है? बोले वो दूल्हा, दूल्हा, अरे भाई वो दूल्हा, दूल्हा वो पीछे आ रहे हैं, वो बताएंगे वो दूल्हा, क्योंकि दूल्हे के बिना बारात का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई कितनों अहंकार से मूछन पर ताव दे, दूल्हा नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। बोले बोले वो पीछे पीछे वो बता देंगे आपको, इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि बता देंगे दूल्हा बारात में है नहीं। अब वो सोचने लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, हम बड़े ताव दे रहे थे मूंछों पर कि हम वो हैं ये हैं, और बात जब दूल्हे वाली आई तो गड़बड़ हो गया। बारात आगे बढ़ी, आगे कुछ लोग ऐसे ही आए। अब जैसे गांव के लोग आगे देखने के लिए आए, जिससे ये प्रश्न हो गया, तब तुरंत दूसरी साइड में हो जाए,
बोले क्यों? बोले पूछ लिया कि दूल्हा कहां, तो अपन का जवाब देंगे, अपन तो खिसक लो साइड से। आगे आगे एक नगर के लोग शुरुआत में जो जो वशिष्ठ जी के पीछे जो लोग चल रहे थे, उन्होंने कहा सुनो भाई ये आप कहां के लिए यात्रा जा रहे हैं? बोले बारात जा रही, यात्रा बारात दिखाई नहीं देता। हाँ बोले दिखाई तो दे रहा भैया, लेकिन बोले ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बेटे की बारात है, समझे, और हम बराती हैं। हाँ अच्छा बराती है। तो बोले जा कहाँ रही है? बोले जनकपुर विद्याराज, जनकपुर के यहाँ बारात जा रही है। अच्छा अच्छा। उसने कहा दूल्हे राजा कहाँ है? बोले दूल्हा, बोले दूल्हा वो दूल्हा 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 पीछे पीछे आ रहा है पीछे। उसने पीछे पकड़ लिया किसी को। उसने कहा महाराज ये क्या? बोले बारात है, बारात दशरथ जी सम्राट की बारात है, जनकपुर जा रही है। उसने कहा दूल्हे कहाँ है? बोले आगे नहीं मिले। बोले आगे तो नहीं थे? तो बोले मतलब दूल्हे तो हैं, लेकिन गुरु जी को पूछना पड़ेगा कहाँ है। अब ऐसे पूछ पूछ के ऐसे कर दिया बरातियों को, अब जैसे लोग आए ना पूछने, वो अपना कोई इधर से निकले कोई इधर से निकले, आखिरकार पूरी बरात परेशान हो गई कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। लोगों ने प्लानिंग की कि ऐसे ही शोरगुल हो गया ना कि दूल्हा है ही नहीं है, कितना बुरा लगे। किसको क्या उत्तर दें? हम बड़े बड़े गर्व से कहते हैं कि हम दशरथ की सम्राट के बेटे की बारात के बराती हैं, जनक के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब कोई पूछ लेता है दूल्हा का मुंह नीचे हो जाती है हमारी। बोले कोई उपाय करो भाई। तो दो चार दसवीं से लोग गुरु जी के पास गए, समाधान तो गुरु जी कर सकते हैं। बोले गुरुदेव या तो बारात को रोक लो, दूल्हा पहले बुलाओ यहाँ, तो आगे आगे दूल्हा चले फिर हम चले, हैं? तब बारात चलेगी नहीं तो बारात यहीं रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। उपाय करो कुछ। अब वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं साहब। वशिष्ठ उस समय का वो महापुरुष है वाजी, वशिष्ठ जी महाराज हम हो गए मस्ताने, हम हो गए और कोई एक बात ध्यान से सुन लो, कह दूं कि रह दूं, सास बहू की बात है किसी भी सास को बहुओं को ज्यादा दिन साझे रहने की साजिश नहीं करनी चाहिए। अनुभव अभी अभी अनुभव हो रहा है मुझे कथाओं में, क्यों कि जब मैं आपको साझे बोलने के लिए कहता हूं तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, और जैसे ही मैंने न्यारे न्यारे करे फिर देखो पूरी ताकत लगा देते हैं। ऐसे ये बहुएं साजे में नहीं करेंगी कछु, और जैसे न्यारे करे फिर देखो काम धंधा, और चूंकि लगता है कि अब अपना स्पेशल है, साजे में तो कहा है कितना कर लो कितना धर लो, साजे में कहते करे हम और खावे कोई और। गलत तो नहीं कर देखो, अनुभव तो आपको होगा ना। हाँ अपन तो सिर्फ कह रहे हैं, अनुभव तो आप अनुभव से गुजर रहे होंगे। वैसे घरों में होता है कई बहु है बेचारी न्यारे हुए डोल रही है पर नहीं सास, सास तो अनुभव कराऊंगा आपको यही। हम हो गए
अब देखो अब न्यारे कर दे हम हो गए ए हम हो ए हम ए हम हो गए अनुभव हो गया और कोई क्या जाने और कोई क्या जाने मेरा दोनों डाउन हो गए साझे कर तो फिर क्या और कोई और कोई गुरु जी के पास पहुंच गए सब लोग गुरुदेव आगे चलना है तो बुला लो दूल्हा को और नहीं तो हम तो यहीं बैठ रहे हैं अब हम पे नहीं जल रही लोग पूछते दूल्हा हमारी तो मुझे नीचे हो जाती है। हाँ। गुरु ने कहा कि देखो एक मिनट ठहरो मैं भी कोई उपाय करता हूं दशरथ जी को बुलाया राजन वो दूल्हे का मोहर लाए हो ना मोहरी कहते हैं क्या कहते हैं मोहर लाए हाँ लाए तो बोले दूल्हा को पहना दो तो दशरथ जी बोले दूल्हा तो जनकपुर में ससुराल में है अब गुरु की संकेतों को गुरु की भविष्यवाणी को राजन बेचारा कैसे समझे है समझ रहे आप लोग तो समझ रहे हो ना आप तो गुरुओं के भी गुरु हो आप तो गुरुओं की भी गुरु हो आप तो समझ रहे हो राजन दूल्हे को पहना दो मुकुट बोले गुरुदेव दूल्हा तो जनकपुर में है बोले तुम जिसको पहना दोगे वही दूल्हा बन जाएगा संत वचन पत्थर की लेगा और जिस समय विश्वामित्र जी जी राम लखन को मांगने गए थे ना उस समय दशरथ जी ने कहा था गुरुदेव ये बता दो भेजने हैं कि चार भेजने हैं ध्यान है आप लोगों को ये कहा था दो भेजने हैं कि चार भेजने हैं तब वशिष्ठ जी ने कहा था कि अभी दो भेज दो जरूरत पड़ने पर दो बुला लिए जाएंगे फिर चारों हो जाएंगे टेंशन क्यों लेते हैं और एक बात भक्ति के तत्व से भक्त लोगों के लिए मैं कह दूं भरत राम ही की अनुहारी भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखीना सकहि नर नारी भरत तो राम का प्रतिबिंब है राम बिंब है और भरत प्रतिबिंब है कौन कहता है कि भरत अलग है और राम अलग है कभी समय मिलेगा तो मैं चर्चा करूंगा
राम जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि भरत में और मेरे में अंतर नहीं है। आपको समय मिले तो पढ़ लेना। उत्तरकांड में जब भगवान राम, भरत, हनुमान अमराई में गए हैं, तब भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे। हनुमान जी ने भरत जी की तरफ से पूछा है, तब राम जी ने कहा है, वह प्रसंग पड़ेगा कि मेरे में और भरत में तो कोई अंतर ही नहीं है साहब। अब मैं एक पंक्ति और गादू नहीं बना के, चाहे राम कहो चाहे, रुको, आज कन्फर्म हो गया कि तुम गुरुओं के भी गुरु हो। हैं? तो अभी मैंने गाया तो नहीं है, बता दिया तो क्या हुआ है? चाहे राम कहो, चाहे राम अयोध्या के बाहर के दुश्मनों पर प्रहार करता है, अवगुणों पर प्रहार करता है, और भरत अयोध्या के अंदर के अवगुणों पर प्रहार करता है। मंथरा एक राम के पीछे है और एक भरत के भी पीछे है, अब ये दोनों जुड़वाए हैं। एक भरत का अनुगमन करता है और एक राम का अनुगमन करता है, और दोनों ही लात मारते हैं साहब। हुम गिलात तक कुबर मारा, हुम गिलात तक कुबर मारा, भरत के पीछे चलने वाला वहां लात मारता है, और राम के पीछे चलने वाला तो क्या करता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो परशुराम को नहीं छोड़ता, और तुम्हें बुरा न लगा तो एक बात कह दूं, परशुराम तो कोई बात नहीं है, राम के पीछे चलने वाला तो ऐसा है जो अपने बाप तक को नहीं छोड़ता और अपनी माँ तक को नहीं छोड़ता, कहने से चूकता नहीं है। कभी राधेश्याम रामायण पढ़िएगा, लखन कहते हैं सुमंत्र से, कह देना के कई माता से अब घी के दिए जलाए वो, दो काठे थे वो निकल गए, मन माना राज चलाए वो,
भगवान की आरती। आरती श्री राम मायर जी कीरत करे ललती अपी की। आरती श्री राम मायर जी कीरत करे ललती अपी भागवत ब्रह्मा देख बोले गणम पुष्पे देवादि वंदना।